करो। एक्यूरा को जाके कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ, मुआ मुआ। अभी लोनावाड़ा 22 किलोमीटर बाकी है, अभी हम जा रहे हैं एक्यूराई। हम अभी मुंबई पुणे हाईवे पे है, यहाँ से लोनावाड़ा 22 किलोमीटर बता रहे हैं। हमारे बड़े भाई ये गाड़ी चला रहे हैं, चश्मा लगा के, और स्पीड 80 पे है, चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं भी गाड़ी चला रहा था, मैं चलाऊंगा बाद में, आते टाइम चलाऊंगा। अभी हमने पनवेल क्रॉस किया है, एक्यूरा के दर्शन को जा रहे हैं, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। और अभी हम खोपोली टोल प्लाजा पे, टोल प्लाजा पे रोज जैसे तो भीड़ नहीं है, थोड़ी भीड़ कम है। हम अभी खालापुर टोल पे है, यहाँ पे टोल आपको जाने टाइम 203 रुपये देने पड़ेंगे। और बैरियर ऊपर हो गया है, टोल भर दिया हमने। खालापुर टोल 203 रुपये। ये तुम देख सकते हैं, अभी हम थोड़े एक घंटे में लोनावला में पहुंच जाएंगे कारला। एकवीर आई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है खंडाला लोनावाड़ा के लिए। और मास्क लगाओ, इधर सामने पुलिस खड़े हैं, पुलिस लोग अभी रुकाने वाले लगता है, लेकिन नहीं रुका है। और यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। अब हमको नेविगेशन की मदद से अभी और 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा 15 मिनट लगने वाले हैं। और यहाँ पहुँचते और एक टोल नाका लग गया है हमको। अब यहाँ पे कितना रुपए लेते हैं क्या मालूम, पीछे वाले टोल पे 203 रुपए लिया है हमसे, और यहाँ पे 40 रुपए लेने वाले हैं लगता है। कुसगांव टोल नाका, और यहाँ पे 61 रुपए लिया है, और रिटर्न है। हम एक्यूरा आई के यहाँ पे भेरगांव कमानी के इधर पहुँच गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायथा मंदिर, और यहाँ से हम अभी मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। ये सामने पायथा मंदिर, गाड़ी पार्क किया है हमने। और यहाँ से चल के जाना है ऊपर, और 10-15 मिनट लगेगा।
अब यहाँ से और थोड़ा आधा घंटे का रास्ता है, चल के जाना है। ये आप दुकान देख सकते हैं आजू बाजू में। और यहाँ से एक लाइन से जाना है, ये आने वाले लोग इनका दर्शन हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं। ये पप्पा है, ये वहीनी है और आगे जो देख रहे हैं वो मम्मी है। बाद में मिला तो आपको। हम दो ही लोग आगे निकल रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं। उसको लेके मैं निकल रहा हूँ ऊपर, हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। मबड़ा पीछे दुकान देख सकते आप लोग। आप देख सकते हैं एकविराई कारला में स्थित है, लोनावला कारला पुणे जिला में आता है। ये क्यू में जाएंगे मंदिर में। और आप फाइनल देख सकते हैं एकविराई का मंदिर। आइए एकविरा, यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कारला एकविरा। यहाँ पे हम पूरे फैमिली के साथ आए हैं।
दिख रहा है मंदिर। वेरुळ लेणी ये मंदिर है, कारलाई का मंदिर है ये, आप मंदिर देख सकते हैं। और ये उसके बाजू में कारला लेणी है, इसमें अंदर जाने के लिए 25 रुपये टिकट है, आपको टिकट निकालना पड़ेगा। और ये पूरा लेनी अंदर नहीं दिख रहा है थोड़ा कैमरे में, हाँ जो इतना दिख रहा है उतना ही है, आप अंदर लोग देख सकते हैं, टिकट निकाल के अंदर गए हुए हैं। आप भी टिकट निकाल के अंदर जा सकते हैं। और ये एकवीराई का मंदिर है सामने, और यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर का फोटो लगाया हुआ है। हाँ बोल चला चल बैठे। हाँ तिकडनं समोर न चला ना, चला समोर नाही, फक्त आत लावून जायचं आपल्याला। यहाँ पे फोटो का दर्शन लेने के लिए भीड़ है। आपली कोंबडी घ्या बबड्या। गणू हे गणू आहे आम्हाला, गणू गणेश नाम आहे इसका। और ये हमारा पुतने है, हम एक राय को आए हैं, अभी खाना खा के हो गए हैं। हाय कर, हाय हाय कर, हाय कर, बा बा बा, हाय हाय हाय। हाँ ये इधर खाना खा रहे हैं, अभी मेरा हो गया है, अभी हम घर के लिए निकल जाएंगे। हम अभी घर जा रहे हैं, अभी अभी शाम के 6 बज रहे हैं। बढ़िया सूरज, एकदम खूबसूरत नज़ारा है। अभी घर जाने के लिए और 2 घंटे लगेंगे शायद। और ये बोगदा लग गया है एकदम खूबसूरत, ये जा रही इनोवा, ये हमारी गाड़ी अभी आ रही है, बोगदा खत्म हो गया। ये गनू सेट अभी सूखे उठे हैं, ये बोगदा लग गया है हमको, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। Thank you.
हम अभी घर पहुंच गए। चार्जिंग ख़त्म हो गया था तो आगे का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो हम आज इक्विराई के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे पूरी फैमिली। तो आपको वीडियो कैसे लगा, यह हमारा इक्विराई का व्लॉग, हमको कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।